राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह हैं। आप मूलतः कर्नाटक शिवमोगा जिला के निवासी हैं। 1968 में संघ के स्वयंसेवक बने और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1978 से आप संघ के प्रचारक हैं। 1992 से 2003 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के दायित्व पर रहे। अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख, सह सर कार्यवाह जैसे अनेक दायित्व पर आप रहे। आप मार्च 2021 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सर कार्यवाह हैं। आपका केंद्र लखनऊ है। आज की इस वार्तालाप में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम सबसे बातचीत करें। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम एक दुखद समाचार जो आया है अभी अभी, उस दुख में हम सभी सहभागी हैं। देश के वरिष्ठ पत्रकार श्री वेद प्रताप वैदिक आज अचानक अपने घर पे फिसल कर नीचे गिरने के कारण अभी अभी समाचार मिला कि का देह शांत हो गया। वेद प्रताप वैदिक जी मूर्धन्य पत्रकार रहे, हिंदी पत्रकारिता, हिंदी भाषा के लिए उनका विशेष योगदान रहा। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर उनके एक पकड़ थी। देश विदेशों में प्रवास करते हुए उन्होंने कई सामाजिक, राजनीतिक, अन्य सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र के बड़ी हस्तियों से निरंतर संपर्क रखते थे और हर एक को एक राष्ट्र हित में, जनहित में, मानव हित में कई प्रकार के उनके विचार व्यक्त करते हुए हम सबको समय समय पर उन्होंने मार्गदर्शन किया। संघ के पूर्व के पूजनीय सरसंघ चालक सुदर्शन जी के साथ उनके बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। वर्तमान सरसंघ चालक मोहनराव भागवत से भी मिलते रहे। वैयक्तिक रूप से मेरे साथ भी उनका स्नेह प्रेम रहा, कई बार मिलना होता था। हम कभी सोचने में इधर उधर हो गए तो हमको रास्ते पर ठीक से रहने के लिए भी उनका अधिकार था। तो ऐसे एक बड़ी हस्ती हम से बिछुड़ गए, इसलिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से वेद प्रताप वैदिक जी की इस मृत्यु पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और उनके परिवार के प्रति भी हार्दिक संवेदना और ईश्वर चरणों में उनके दिवंगत आत्मा को सदगति प्राप्त हो और उन्होंने जो विचार रखा है समाज राष्ट्र हित में, उसके समय समय पर हम सब उसका लाभ लें, ऐसे मैं आशा व्यक्त करता हूँ। आप सबको सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाचार क्षेत्र के, मीडिया क्षेत्र के सभी हमारे भाई बहनें हमेशा के जैसे संघ के कार्यक्रम और बैठकों में अपने सहयोग देकर हमारे बैठकों में हुए विचार मंथन निर्णयों को आप जन जन तक पहुंचाने का बहुत ही सराहनीय काम करते हैं। आप सबके सहयोग के प्रति मैं और पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। हरियाणा में इस परिसर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की यह महत्वपूर्ण बैठक वर्ष में एक बार जो होती है, गत वर्ष कर्णावती में अहमदाबाद में हुई थी। कोविड के चलते हम कुछ कार्यकर्ताओं की संख्या वहाँ घटाए थे, इस बार पूर्ण रूप से सभी को आने के लिए हमने निमंत्रण दिया था, सूचना दी थी।
1476 कुल एक्सपेक्टेड नंबर थी, 1389 अटेंडेड, दो लोग विशेष रूप से इसके अतिरिक्त निमंत्रण पर आए थे, हमने अपने स्वयंसेवक हैं, पूर्व में प्रचारक रहे, एक विदेश में रहते हैं, उनको भारत में आए थे बहुत वर्षों के बाद, उनको प्रतिनिधि सभा में आने के लिए था, इसलिए वो अपेक्षित सूची में नहीं थे, लेकिन वो आए थे तो हमने उनको रहने के लिए कहा था। 1389 हमारे प्रतिनिधि सभा के कार्यकर्ता 94% उपस्थिति हमारी रही, और प्रतिनिधि सभा में जैसे पहले दिन आपको मनमोहन जी ने, उससे पहले सुनील अम्बेडकर जी ने कई विषय बताया था, उस प्रकार सामान्यतः प्रतिनिधि सभा बैठक में हम देश भर के संगठनात्मक वृत्त लेते हैं, संगठनात्मक दृष्टि से जो शाखाओं की संख्या है उसको बताया है, मैं रिपीट करना नहीं चाहता, वैसे पहले दिन ही उसका पूरा ब्यौरा आप लोगों के सामने आया है। कोविड के दो साल के कारण जो हमारे लिए एक पूरे देश समाज के लिए चुनौती का समय था, स्वाभाविक रूप से खुले मैदान में संघ की शाखा होना, प्रवास होना, प्रशिक्षण होना, ट्रेनिंग कैंप्स चलाना, देवर हैम्पर्ड इन ए वे, सो वी हैव रीगेंड इन लास्ट वन ईयर एंड वी हैव क्रॉस द 2020 रिपोर्ट्स बाय नंबर्स, तो इसलिए अभी स्थानों की संख्या में 9.5% वृद्धि हुई है, हम 38,913 स्थानों पर 2020 में थे, तो 3,700 प्लेसेस हैव बीन एडेड न्यूली। मैं इसलिए कह रहा हूँ 21-22 में 20 के हिसाब से स्वाभाविक रूप से कोविड के कारण हम पहले वर्ष तो इसके आंकड़े ले ही नहीं सके, क्योंकि शाखा खुले मैदान में लॉकडाउन पीरियड में संभव भी नहीं था, और सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस के कारण शाखा चलाना ठीक भी नहीं था, इसलिए हमने उस समय के संख्यात्मक जानकारी ठीक से नहीं ली, एंड वी न्यू शाखा कैन नॉट बी हेल्ड, बैठक्स एंड ट्रेनिंग कैंप्स वर सस्पेंडेड फॉर सर्टन ये टाइम, तो इसलिए अभी पिछले वर्ष जब हमने देखे उस हिसाब से अब 2020 के को हम पार करके आगे बढ़े हैं, इसलिए हमारे जो लक्ष्य था मंडलों तक शाखा के विस्तार 2023 में इस वर्ष जो कहाँ तक पहुंचना चाहिए हमने ऐसे सोचा था, वो पूरा इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच के दो वर्ष में एक बाधा आने के कारण हम उसको अभी पूरा करने के प्रचार विचार कर रहे हैं, उसके प्रयत्न भी प्रारंभ हो गए हैं, कई प्रांतों में हम पूर्ण मंडल और पूर्ण जिला, पूर्ण खंड कहते हैं, खंड इज ब्लॉक, एक खंड में, एक ब्लॉक में, विकास खंड में जितने मंडल हैं वो सभी मंडल में यदि शाखा है तो हम उसको पूर्ण खंड कह रहे हैं। पूर्ण मंडल मीन्स ऑल हैमलेट्स, विलेजेस अथवा ग्राम, ग्राम पंचायत, अलग अलग राज्यों में थोड़ा रेवेन्यू सिस्टम डिफरेंट है, इसलिए हमने मंडल के नीचे के एक यूनिट इकाई वो ग्राम, वो तय करता है प्रांत ग्राम कौन सा है, क्या है पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल में या मणिपुर में या और कहीं, इट कैन नॉट बी द सेम एज इट इज़ इन द मैदानी फील्ड्स, तो इसलिए थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टि नीचे जाते समय थोड़ा भिन्न हो जाता है, जिला केंद्र तक तो लगभग समान रहता है, तो इसलिए हमारी शाखा की संख्या अभी 68,651 है, दिस इज ऑल्सो 9.8% इंक्रीज ओवर द टू ईयर्स, तो ये अपने वर्तमान में कुल मिलाकर संपर्क युक्त स्थान 71,355, यानी संघ के साप्ताहिक अथवा मासिक कुछ ना कुछ गैदरिंग, असेंबली, एकत्रीकरण होते हैं, जिसको हम साप्ताहिक मिलन, मासिक मंडली कहते हैं,
ऐसे जगह 71,955 मोर देन दे अर्लियर शाखा प्लेसेस इन एडिशन टू दैट। ये हमारे कुल मिलाकर संपर्क स्थान है। और नई पीढ़ी के जो स्वयंसेवक आते हैं, लेट अस से द स्कूल स्टूडेंट्स, 10th 11th 12th कॉलेज स्टूडेंट्स या उस एज ग्रुप के, उनके लिए हम प्राथमिक शिक्षा वर्ग लगाते हैं। उसमें 1,21,137 न्यू यूथ सेवकम, इट्स ए 1 वीक कैंप, 7 दिन के संघ के शिक्षण वर्ग चलता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे कुल मिलाकर 99% जिला कवर किए हैं, 88.3% ऑफ द खंड वी हैव ब्लॉक संघ शाखा वर्क। उसके नीचे के जो यूनिट है मंडल, वो हम अभी तक 60% क्रॉस करना चाहिए था, खंड तक तो हमने पूरा कर लिया है। 2023 हमारे टारगेट जो था, बिकॉज ऑफ द कोविड, वो मंडल के स्थान को हम अभी पूरा करना बाकी है। वेर एज शाखा और स्थान 2020 से आगे बढ़ गए, दैट मीन्स द ट्रेंड शोज हमारे कार्यकर्ता रिगेन किए हैं, समाज के सहभागिता बढ़ी है, हम शाखा कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण है, ये सब हमारे अनुभव में आया है। यही कारण है कि शाखा क्षेत्र में केवल 1 घंटे के शाखा चलाना इतना ही नहीं हो, पर इट्स इम्पोर्टेंट। संघ के काम में 2 प्रकार है, एक व्यक्ति निर्माण के, प्रत्येक व्यक्ति जो स्वयंसेवक बनता है वो प्रतिदिन कुछ समय देश समाज के लिए देना चाहिए, समाज को संगठित करने के लिए उसको सुबह शाम रात किसी समय 1 घंटे 2 घंटे वो संगठन की योजना से वो काम करता है। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर बिल्डिंग, इंडिविजुअल पर्सनालिटी मेकिंग, व्यक्ति निर्माण का कार्य। 1 घंटे शाखा में जाता है तो कार्यक्रम चलता है, उसको 2-4-5 घरों में, कॉलोनी में, बस्ती में, ग्राम में, मोहल्ले में जाकर मिलना वगैरह करता है, यानी समाज के साथ एक, तो इसको हम व्यक्ति निर्माण कहते हैं। लेकिन इसमें शाखा समाज कार्य करने के लिए एक प्रेरणा है। ऐसे जो स्वयंसेवक करते हैं वो लोग, उनमें से विद्यार्थी को सामान्यतः अपने एजुकेशन पर उनका अधिक फोकस होना चाहिए, उनको समाज देश के बारे में एक्सपोजर तो देते हैं, लेकिन सामाजिक काम में प्रत्यक्ष लगना, वो कमाई करने वाले इन एनी फील्ड, दोज हु आर गृहस्थ प्रोफेशनल्स, जो कुछ ना कुछ अपने नौकरी व्यवसाय धंधा कर रहे हैं, ऑल एज ग्रुप, ऐसे लोगों के सामाजिक काम में उनको लगना है, ये हमारा उद्देश्य रहता है। इस बार हमने एक विशेष ऐसे करने वाले लोगों का यहाँ रिपोर्टिंग लिया, पूरा देश इतना बड़ा है इसलिए ऐसे करने वाले शाखों की संख्या हजारों में है। हमने जो रिपोर्टिंग लिया एक क्षेत्र से एक, उसमें बहुत सारे हमारे शाखाओं में उस शाखा क्षेत्र में आने वाले, फॉर एग्जांपल एक गांव है, एक शाखा चल रही है, 2 शाखा चल रही है, सामान्यतः 5,000 से 10,000 आबादी होगी, या एक मोहल्ले हैं 8-10 हज़ार की आबादी है, वहाँ एक शाखा चलती है, शाखा के स्वयंसेवक 50 होंगे 60 होंगे 100 होंगे, प्रतिदिन आने वालों की संख्या थोड़ी कम होगी, बट सूची में रहते हैं, वंश ने भी कहते हैं, ट्वेस ने भी कहते हैं, रेडी डेली आते हैं, लेकिन उनका ग्रुप है। उनके सामने हम कहते हैं आपके क्षेत्र में जो गाँव है, बस्ती है, मोहल्ले हैं, वहाँ आप क्या सामाजिक काम करते हैं शाखा से, मंदिर की स्वच्छता और कोई सफाई, वहाँ कोई स्वास्थ्य सेवा, ट्यूशन चलाना, जो वहाँ वर्किंग क्लास स्लम वगैरह हैं जिसको हम सेवा बस्ती कहते हैं, वहाँ के लोगों के लिए कोई, उनके बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रयत्न, वहाँ दिव्यांग हैं उनके लिए क्या सेवा हो सकती है, माल न्यूट्रिशन है, ऐसे कई प्रकार के चीज़ों के लिए कोई विशेष
इसके लिए हजारों लाखों रुपए के संग्रह करते हुए नहीं करना है। एक शाखा अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ अच्छे काम करना चाहिए। तो ये जो कर रहे हैं, इसमें केरल के एक रिपोर्ट कल आया हमारे पास, शबरीगिरी से जो ये है शबरीमलै अयप्पा, वो जिला है, वहाँ जो रिपोर्ट आया उसमें उन्होंने स्वयंसेवकों की संख्या 300 है, उस शाखा में लगभग 10,000 लोग हैं उस एरिया में, वहाँ स्वास्थ्य के, शिक्षा के बहुत सारे सेवक हैं, कई विद्यार्थियों को रोजगार सर्वे किया उन्होंने, कितने लोग नौकरी में हैं, कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, कितने लोग विदेश में रहते हैं, कितने लोगों के रिटायर्ड लोग हैं, ऐसे हमने शाखा के लोगों को सर्वे करने के लिए कहा है। लगभग 10,000 स्थानों पर अभी सर्वे किए हैं, वो सर्वे रिपोर्ट फाइनल होने तक हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने एक हर प्रांत में सर्वे के आधार को देखने के लिए अभी इसमें विचार किया है, वो देखेंगे जाकर सैंपल्स क्या क्या है देख रहे हैं। उसमें 10-12 लोगों ने यहाँ जो प्रेजेंट किया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उसमें उन्होंने ये हमको देखने को मिला, हमारे कार्यकर्ता इस विषय को आगे बढ़ाए, हमें बहुत गर्व है इस विषय में, क्योंकि अपने कार्यकर्ता ने वहाँ के समाज के लिए, उदाहरण के लिए मदुरई में एक पिछले 10 साल से एक एरिया में हर रविवार को उन्होंने 22-25 डॉक्टर्स को तय किया है, एवरी वीक 2-3 डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं, फ्री मेडिकल इसका करते हैं, एवरी वीक करते हैं। ऐसे एक ही क्षेत्र में स्वास्थ्य के होगा, मंदिर के होंगे, सेवा के होंगे, दूध वितरण का होगा, ट्यूशन के होंगे, ऐसे कई प्रकार के। अभी हम इसके रिपोर्ट कंपाइल करेंगे इस वर्ष, आने वाले 4-6 महीने में ऐसे कुछ ठोस चेंज रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ है, केवल सेवा कार्य किए ऐसे नहीं है, वहाँ के जीवन में कुछ बदलाव आया। उदाहरण के लिए अस्पृश्यता, समरसता को दूर करना, मंदिर में सभी का प्रवेश है, गांव में सभी के लिए स्मशान, सभी जाति के लिए है, इस प्रकार के जो परिवर्तन आया है, समाज परिवर्तन, गांव में कोई शादी होती है सभी लोग वहाँ साथ बैठ कर भोजन करते हैं, ये परिवर्तन लाना है। ऐसे जहाँ जहाँ हमारे शाखा के कार्यकर्ता किए हैं, इस प्रकार के विषयों को हम कंपेयर करने के लिए विचार किया है। दूसरा, इसमें कुल मिलाकर प्रतिनिधि सभा में हमने एक प्रस्ताव पारित किया है, आने वाले 25 वर्ष देश में अमृतकाल ऐसे घोषित हुआ, इसका स्वागत भी हमने किया है। देश के अंदर एक पिछले बार मैंने, उससे पहले भी बंगलोर में जब सरकार विभाग के नाते मेरा निर्वाचन हुआ था, उसी समय मैंने एक विषय बताया था अंतिम दिन से पत्रकार वार्ता में, देश के नैरेटिव बदलने चाहिए, भारत के प्रश्न पत्र को भारत के उत्तर होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, वी हैव बीन गिवन क्वेश्चन पेपर एंड वी हैव टू आंसर इट ऑन द बेसिस ऑफ अवर ओन कंट्री। तो इसलिए भारत के कई जिस प्रकार के भी स्थिति है, उसके आधार पर भारत को एक दुनिया में, विश्व में एक वैभवशाली सम्मान मिलने वाले ऐसे देश के नाते अपने करना है, जिसको विश्व गुरु भी कहते हैं। तो इसलिए भारतीय चिंतन के, जीवन दर्शन के बहुत सारे विषय हैं, उसको विकृत करने के कुछ लोगों ने प्रयत्न भी किया है देश विदेशों में, हिंदुत्व विचार के, भारतीय विचार के बारे में कोई विषय को उठाकर उसके बारे में अनाप शनाप करने का प्रयत्न भी हुआ है। कुछ हमारे समाज के कमियां भी हैं, स्वीकार करते हैं, जैसे अस्पृश्यता के संदर्भ में मैंने कहा या और कुछ, तो इसलिए, लेकिन उन चीज़ों को केवल उजागर करके भारत ऐसे कहने से नहीं होता, परिवर्तन क्या लाना चाहिए ये करेंगे, और भारत के बहुत सारे जो पॉजिटिव विषय हैं उसको भी
जो विकृत इतिहास को प्रेजेंट करने का प्रयत्न पिछले 50 साल में कई लोगों ने किया है। सही इतिहास बताना पड़ेगा। देश के अमृत महोत्सव जो हुआ स्वतंत्रता के, उस समय हमने राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को, अभियान को चलाए हैं, वो जारी है, आगे भी चलेगा। देश अपने स्व को, नेशनल सेल्फ, द आइडेंटिटी ऑफ दिस नेशन, द स्पिरिचुअल सोशल कल्चरल आइडेंटिटी फॉर आवर नेशन, विच हैज बीन ए थिंग ऑफ प्राइड फॉर ऑल द पीपल हु आर पार्टिसिपेंट्स इन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, राइट फ्रॉम विवेकानंद महर्षि अरविंद, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, आर ऑल द एंटायर गैलेक्सी ऑफ नेशनल लीडर्स आर प्राउड ऑफ भारत हेरिटेज। इसलिए इस कल्चरल हेरिटेज को वर्तमान युग में कैसे प्रस्तुत करना, इसलिए युगानुकूल रचनाएं होनी पड़ेगी। इसलिए शिक्षा के, सामाजिक रचना में, समाज के जीवन में ऑलवेज वी से प्रिंसिपल्स आर इटर्नल, ऑर्डर इज ट्रांसिएंट। जो जीवन दर्शन के तत्व है वो शाश्वत है भारत के, लेकिन समय समय पर युगानुकूल रचना करनी पड़ती है। नई टेक्नोलॉजी आती है, नई आधुनिकता आती है, दुनिया के ज्ञान बढ़ता है, तो उसके आधार पर हमें नई चीज़ों को करना है। आने वाले 25 साल में भारत को न केवल आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से दुनिया के अच्छे देश बनाना है, वो तो बनाना ही है, ज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, संस्कृति और आध्यात्म के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स और कृषि के क्षेत्र में, भारत के जीवन शैली, एक आत्मविश्वास से, आत्मसम्मान से ये हो, इस दृष्टि से प्रयत्न करना चाहिए। विशेष करके आने वाले 25 साल जब हम कहते हैं, युवाओं के सामने ही ये प्रश्न है, क्योंकि नेक्स्ट 25 इयर्स विल बिलोंग्स टू द स्टूडेंट्स हु आर इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस टुडे एंड द ग्रुप ऑफ द एज ऑफ पीपल ऑफ द सेम एज ग्रुप। तो इसलिए हमने एक प्रस्ताव पारित किया है, ऐसे इसके डिटेल्स में हमारे स्वयंसेवक संघ के शाखा द्वारा, स्वयंसेवक जिन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं विभिन्न संगठनों के द्वारा, उसमें भी इस विषय को वो चैनलाइज करें, वहाँ के कार्यक्रमों में, वहाँ के गतिविधियों में इसको करें, ये हमने अपेक्षा की है। वो ऐसे एक प्रस्ताव भी पारित किया, और आने वाले दिनों में संघ के शताब्दी वर्ष 2025 से प्रारंभ होगा, 2025 के विजयादशमी से वो है। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के बारे में हमने कोई अभी निर्णय नहीं किया है, क्या करना अगले प्रतिनिधिसभा के बाद विचार करेंगे, लेकिन जैसे कहा, कार्य विस्तार के दृष्टि से एक्सपेंशन ऑफ द वर्क अप टू द मंडल लेवल, ईच मंडल शुड बिकम शाखा और मिलन वहाँ प्रेजेंट है, ऐसे हमको करना है, ऐसे हमने एक टारगेट रखा है। कार्य विस्तार के साथ साथ क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए, इसलिए गुणात्मकता कार्य के, कार्यक्रम के, कार्यकर्ता के और अपने कार्य पद्धति की, तो संघ के इसमें हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, आज दुनिया एक छोटा बिजनेस भी है या एक स्कूल भी है, एक एनजीओ भी काम करता है, हर जगह पर क्वालिटी कॉन्शियसनेस है, गुणात्मकता के एक आग्रह रहता है। संघ पहले से इस विषय पर आग्रह करता रहा है, वो हम और कैसे कर सकते हैं विचार करेंगे, उसके लिए योजना बनाई है, प्रयत्न करेंगे। तीसरी बात, सामाजिक दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन के 5 विषयों को हमने विचार किया है। विषय 2500 हो सकते हैं, हम अपने एक चरण में विचार किया है, सामाजिक समरसता, सोशल हार्मनी, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कुल मिलाकर ऊंच नीच, अस्पृश्य अस्पृश्य, छुआछूत, इन सारी चीज़ों को दूर करने वाले हिंदू समाज के सामाजिक समरसता। दूसरा है परिवार प्रबोधन, फैमिली वैल्यूज़,
वो जॉइंट फैमिली हो न्यूक्लियस फैमिली हो, हम तो आग्रह करते हैं, लेकिन व्यावहारिकता हर एक कुटुंब के अलग अलग होती है। तो कम से कम फैमिली वैल्यूज़ को बनाए रखना, भारतीय हिंदू चिंतन के आधार पर जीवन के वैल्यूज़ के बारे में आग्रह करना चाहिए, तो उस प्रकार के प्रैक्टिसेस उनके जीवन में हो। जो दुनिया में फैमिलीज़ के बारे में बहुत आग्रह आज है। तीसरी बात पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण। चौथी बात स्वदेशी आचरण, जीवन में स्वदेशी। पांचवी बात नागरिक कर्तव्य, सिविक सेंस, सिविक अवेयरनेस, सिविक डिसिप्लिन। ये पांचों ऐसे हैं व्यक्ति के जीवन में, कुटुंब जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में करने लायक है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, समरसता। सामाजिक जीवन में हम यहाँ सब बैठे हैं तो कोई सब साथ में रहते हैं, मेरे घर में मैं क्या करता हूँ, ये प्रश्न आता है। ऐसे ही पर्यावरण के, हमारे वर्क प्लेस में, सोसाइटी में, अपने घर में मुझे पर्यावरण के दृष्टि से एक ट्रेनिंग होनी चाहिए हर एक को। वो दृष्टि और आचरण में आना चाहिए, ये प्रयत्न करेंगे। आदत ऐसे बननी चाहिए, कई बार सोचते तो भी आदत नहीं रहती, तो इसलिए उसका ऐसे इन पांचों विषयों में ऑल दी फोर डायमेंशंस, व्यक्ति, कुटुंब, व्यावसायिक जीवन, सामाजिक जीवन, इसमें इसको उतारना चाहिए। ये हमारा दूसरा विषय है। तीसरा मैंने बताया नैरेटिव का, वो है चौथा है भारत के नैरेटिव भारत के हिसाब से होने चाहिए। डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड, यह भारत में होना चाहिए। पांचवी बात समाज में बहुत सारे ऐसे सज्जन शक्ति हैं, संस्थाएं हैं, देश के हित में अच्छे काम करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास सभी कर रहे हैं, इसलिए हमारे एक विचार है समाज में ऐसे जो पॉजिटिव फोर्सेस, वेल मीनिंग फोर्सेस है, उन सब के साथ नेटवर्किंग करना। हर एक अपने अपने काम करेंगे लेकिन एक दूसरे से सहयोग, एक दूसरे के मिलकर करेंगे, फोर्स मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं, ऐसे फोर्स मल्टीप्लिकेशन करने के काम अपने को करना है। ऐसे हमने इन पांच बातों को शताब्दी वर्ष के संदर्भ में विचार किया है, उसी को यहाँ थोड़ा सा अधिक चर्चा हमने की है, आने वाले दिनों में उसको और अधिक बल देंगे। शाखा को एक परिवर्तन का केंद्र कैसे बनाना, समाज के अंदर वैचारिक बनाना, ये विचार हमने विचार किया है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने आज के जो प्रयोग किए उसको बताया, तो कुल मिलाकर यह प्रति सभा हमारी बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। सभी लोगों को यहाँ आने से एक प्रेरणा भी मिली है। हमने पिछले दिनों में संगठन के कुछ विषयों के संदर्भ में एक एक्सरसाइज किया था देश भर में, शाखा के संदर्भ में, के संदर्भ में, तो उसके संदर्भ में भी हमने विचार किया है हमारे वर्किंग मेथोडोलॉजी में कौन से चीज़ को जोड़ना है, कुछ परिवर्तन करना है, इसका मैटर ऑफ डिटेल्स है। मुख्य रूप से शाखा के जागरण श्रेणी जिसको कहते हैं, जो मैंने अभी बताया, उसको अधिक बल देना। नंबर टू, अगली पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को जल्दी नेतृत्व देने की दृष्टि से तैयार करना, और समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव देते हुए इसको एक सुंदर समरस समाज बनाने की दृष्टि से जहाँ जहाँ आवश्यक है उस प्रयत्न को हम समर्थन भी करेंगे, सहयोग भी देंगे, सहयोग लेंगे भी। और चौथी बात भारत के और हिंदू समाज के दृष्टि से किसी भी प्रकार के बाधा का कैसे उस विषय से हिंदू समाज को बचाना और सही अर्थ से हिंदू समाज क्या है इसको प्रस्तुत करने का
वैचारिक संघर्ष में आगे बढ़ेंगे। तो ये मैसेज है इस प्रतिनिधि सभा के। धन्यवाद, आप लोग इतने मेरी बात सुने, इसलिए आपको कुछ पूछना होगा तो इधर से शुरू करते हैं। सर, ऑन करो। बीजेपी से नड्डा जी आए थे और एक और आए थे, इसमें अभी के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर और आने वाले चुनावों के विषय में क्या चर्चा हुई इस मीटिंग में? हमने कोई ऐसी चर्चा यहाँ नहीं की, करते भी नहीं हम, वो अपने क्षेत्र में करते हैं, संघ के स्वयंसेवक अन्य अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी करते हैं, इसलिए उनको हमने यहाँ बुलाया था। और ये परंपरा 50 साल से भी चल रही है और इसलिए वो उनका कोई उन्होंने विषय भी नहीं रखा। बाकी जैसे सभी संगठन के हैं, संघ के कार्यकर्ताओं के इनिशिएटिव से जो काम चल रहे हैं वो यहाँ आते हैं, सब सुनते हैं, बीच के समय में अनौपचारिक बातचीत होती है। और यहाँ किसी चुनाव के बारे में हमने चर्चा नहीं की। उन्होंने स्वाभाविक रूप से वहाँ संगठन मंत्री ने यहाँ उनके पर जैसे बाकी संगठन ने भी 2-3 मिनट कोई विशेष उपलब्धि है उसको बताया, उन्होंने भी कुछ विषय ऐसे बताया। चर्चा किसी विषय किसी भी संगठन के संस्था के जो 2-4 मिनट यहाँ कोई बताएंगे उस पर डिस्कशन नहीं करते, डिस्कशन संघ की शाखा काम पर होता है। देश के बारे में बहुत सारी बातें आपने करी, देश के लिए बहुत कुछ करना है। आज परिवारों में बहुत भ्रांतियां जन्म ले रही हैं, पिता और माता का, पिता और पुत्र का ये रिश्ता कहीं ना कहीं तार तार हो रहा है, हम लिखते हैं उनको, तो इसके ऊपर कोई कार्यक्रम क्या कर रहे हैं? मैंने बताया परिवार प्रबोधन का, परिवार के अंदर सामंजस्य, परिवार एक रहे इस दृष्टि से आग्रह, ये मैंने बताया। अपने फैमिली के बारे में आज दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई है और हिंदू समाज को तो गर्व से कहना चाहिए कि हम दुनिया के लिए फैमिली सिस्टम को एक आदर्श के रूप में हम दे सकते हैं। कई कारणों से एक्सटर्नल इंटरनल रीजंस कुछ समस्या परिवार में हो सकती है, लेकिन हम इस विषय के बारे में परिवार प्रबोधन से करते हैं। बहुत अच्छे प्रयोग भी, परिवार के सामंजस्य को बनाए रखना, परिवार के अंदर सांस्कृतिक सेवा कार्य कैसे चले इसके बारे में सैकड़ों उदाहरण हमारे पास है। सर नमस्कार, मेरा नाम रविकांत राय है, मैं टाइम्स नाउ नव भारत से हूँ। मेरे दो सवाल हैं। सर आपने जिक्र भी किया कि कोई व्यक्ति देश के बाहर जाकर भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और ख़ासतौर पर संघ को लेकर राहुल गांधी ने हाल के दिनों में मुस्लिम ब्रदरहुड, फांसीवादी संगठन जैसी बातें कही हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या संघ की शाखाओं में जो महिलाओं की एंट्री की बातचीत हो रही है जिस पर विचार चल रहा था, इस बैठक में कोई फैसला हुआ है क्या उस पर? पहले विषय के बारे में कहता हूँ, मुझे लगता है इसके बारे में कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फील्ड के हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया, देश के लोग भी दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे, सीख रहे हैं, रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते ही शुड एक्सप्रेस मोर रिस्पॉन्सिबिली एंड सी द रियलिटी। महिला सहभागिता के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि शाखा में महिला, ये संघ में हमने चर्चा नहीं की, मीडिया में चर्चा बहुत लोगों ने की होगी, हमने नहीं की। संघ के शाखा प्रत्यक्ष जो होता है वो पुरुषों के एक्टिविटी है, सुबह 5:30 बजे इकट्ठे होते हैं, शाम को 8 बजे इकट्ठे होते हैं, पुरुषों के कार्यक्रम चलते हैं, वहाँ खेल होता है, ड्रिल होता है, दंड करते हैं,
तो स्वाभाविक है उसको हमने पुरुषों को किया। तो महिलाओं के लिए चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए, इसलिए राष्ट्र सेविका समिति इसी प्रकार के कार्य वो भी करती हैं। उन्होंने भी विचार किया जिला केंद्र तक पहुंचने का, महिलाओं को पुरुष जैसे प्रवास करना वगैरह में स्वाभाविक रूप से कुछ सीमाएँ रहती हैं, इसलिए उनके कार्य उस गति से चल रही है। महिलाएँ वो शाखा चलाती है, इस प्रकार कार्यक्रम जो करते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा सामाजिक परिवर्तन के सारे विषय, कुटुंब प्रबोधन महिला के बिना हो ही नहीं सकता, हमारे सेवा कार्य, हमारे प्रचार विभाग, इन सब में बहनों के पार्टिसिपेशन है, महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट करती है, शाखा कार्यक्रम में नहीं रहती। नंबर वन। अनदर थिंग, हमने एक विचार किया है इस बैठक में भी, वो है हर 3 महीने में एक बार शाखा के एक नगर है, एक गाँव है, वहाँ हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे परिवार के साथ उनके, क्योंकि हमने कोविड में एक अनुभव किया, घर में जब थे तो घर के अंदर ही कई लोगों ने शाखा जैसे चलाए घर के लोगों के लिए, वो एक उपयुक्त है ऐसे अनुभव में आया है। इसलिए हर 3 महीने में एक बार एक सामान्यतः गृहस्थी कार्यकर्ताओं की जो शाखा है वो अपने परिवार के साथ 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे इकट्ठा आएंगे, देश समाज के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ सांस्कृतिक कुछ न कुछ कार्यक्रम वहाँ रखेंगे, देशभक्ति के कुछ गाने होंगे। तो ऐसे हमने एक विचार इस प्रकार के महिला सहभागिता समाज जीवन में संघ के कार्य में बढ़ने के लिए प्रयत्न किया। शाखा में आने की चर्चा हमने की भी नहीं, पर शाखा में अभी संभव भी नहीं। रिलेटेड है, हाँ एक मिनट, हाँ पूछ लीजिए, हाँ पूछ लो प्रकाश जी, एक मिनट उनका। इन सारे विषयों में डिसीजन मेकिंग में है, सेवा कार्य में, प्रचार विभाग में, मैं जिन जिन को बताया मैंने जो पहले जगह है, उन सब में महिलाओं के डिसीजन मेकिंग में है वो। सर नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र कथूरे है, टोटल टीवी की ये जीटी रोड बेल्ट देखता हूँ जहाँ मैं हम बैठे हैं जी। सवाल मेरा ये है, पिछले 4-5 साल के आंकड़े ये बताते हैं कि स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में विदेश में पढ़ने जा रहे हैं हिंदुस्तान से, और दूसरा यूथ को लेके जो बेरोजगारी है, बड़ी निराशा का माहौल है युवाओं में, और एक तरफ विदेश जा रहे हैं शायद सेटल होने के इरादे से, पढ़ने के इरादे से, दूसरा ये आजकल सरकारों में होड़ लगी है कि शराब के ठेके ज्यादा खोले जाए, प्रश्न पूछिए ना, शराब के ठेके ज्यादा खोले जाए चाहे हरियाणा दिल्ली आमदनी को बढ़ाने के लिए, एक तरफ हम चरित्र निर्माण राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। ऐसा ना करें, एक व्यक्ति एक ही प्रश्न पूछे तो सब लोग पूछ पाएंगे। हम पहले का आपका स्टेटमेंट हो गया, प्रश्न क्या है उसमें? ओके, ठीक है, तो बिल्कुल होना चाहिए ना, ऐसे हैं विदेश में जा रहे हैं कई वर्षों में जा रहे हैं, इसलिए भारत में सरकार भी सोच रही है कैसे यहाँ के विश्वविद्यालय को, यहाँ के इसको अच्छे क्वालिटी के और बनाएं। उन्होंने 20 यूनिवर्सिटी के बारे में भी भारत सरकार ने सोचा, उसको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने का स्वागत किया था, और विदेश में विद्यार्थी चाहे एक फॉरेन यूनिवर्सिटी के डिग्री के एक मोह हैं, एजुकेशन वहाँ अच्छा ऐसे नहीं है। मैं देश और यूनिवर्सिटी के नाम नहीं बताऊंगा, मैं भी 10 बार विदेश में गया हूँ, वहाँ भारतीय विद्यार्थियों से मैंने बैठकर चर्चा की, साहब हमारे यहाँ टीचिंग अच्छा रहता है, प्रोफेसर मिलता है, यहाँ हम आते हैं केवल फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए, पढ़ाई वहीं अच्छा होता है, ऐसे कहने वाले यूनिवर्सिटी के सैकड़ों विद्यार्थियों से मैं मिला हूँ। मैं आई कैन टेल द यूनिवर्सिटी नेम ऑल्सो, बट आई डोंट वॉन्ट टू टेल हियर इन द इंटरेस्ट ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज। नाउ कमिंग बैक टू द थिंग, विदेश में जाने वाले का मोह है, इसलिए भारत सरकार सोच भी रही है क्या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ ऑपरेट करने के लिए कर सकते हैं क्या, लेकिन कुछ भारत के यहाँ के रूल्स, यहाँ के नैक है, बाकी है यहाँ के, इसमें वो फिट बैठने चाहिए, कौन से क्षेत्र में करना है मैटर ऑफ डिटेल्स है। नंबर 3, जो ऐसे विदेश में जाते हैं वहाँ भी वो भारत के सही चित्र का प्रतिनिधित्व करें। विदेश में गए कोई जाना, कोई जब हम होते हुए कुटुंब कम कहते हैं विदेश में जाना रोकना चाहिए, ऐसे नहीं कहते,
बेटर एजुकेशन यहाँ मिलता है तो यहाँ रहेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर भी कुछ लोगों को विदेश में जाने की इच्छा हो सकती है, वहाँ जाने के बाद भी भारत के एक गर्व से भारत के वहाँ प्रतिनिधित्व करे, अपने विद्यार्थियों के मित्रों के बीच उत्तृष्टितों करे। ऐसे वहाँ कुछ पहले गए हुए स्वयंसेवकों ने अलग अलग फोरम अलग अलग देशों में बनाए हैं, छोटे बड़े बनाए हैं। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आप मैं हम सब रहे, पूर्व में जो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता आज विदेशों में जगह जगह पर है, यूनिवर्सिटीज़ में भी है, उनको आप ऐसे आने वाले विद्यार्थियों को भारतीय विद्यार्थियों के साथ ऐसे कैसे भारत के गर्व को गौरव को बढ़ाए इस दृष्टि से विचार करो। देन दे विल बी गुड मैसेंजर्स एंड एम्बेसडर्स ऑफ इंडियन यूथ ऑन फॉरेन सॉइल एंड नथिंग रॉन्ग। तो ऐसे हमने विचार भी किया है। बाकी देखिए देश के रोजगार वगैरह के संदर्भ में सरकार ने पिछले दिनों में अनाउंस भी किया है, स्वावलंबी भारत की योजना एक बनाए हैं। एक ट्रांजिशन पीरियड है, बहुत सारे विषयों को अब एड्रेस भी करना है, इन चीज़ों को कर रहे हैं ऐसे हमारा विश्वास है, हो भी रहा है। अपने तरफ से भी हमने कई जगह रोजगार भारती, बाकी उदाहरण के लिए ब्रज प्रांत में, आगरा के इसमें, केरल में अभी जैसे मैंने कहा, कई जगह पर रोजगार सृजन के एक व्यापक, मैं भोपाल में गया था, मध्य प्रदेश के 16 जिले में रोजगार सृजन और सहायता केंद्र को स्वावलंबी भारत योजना के तहत अपने लोगों ने करके स्किल ट्रेनिंग वगैरह दिए हैं। पिछले वर्ष में लगभग 1,00,000 से अधिक लोगों को देश भर में ऐसे छोटे बड़े रोजगार देने का कार्य समाज के तरफ से हुआ है। सरकार की योजना भी बन रही है, सरकार से भी वो लोग बात भी कर रहे हैं। जी सर, इधर रवि जी को दीजिए। रवि जी हाँ, जोर से बोलिए। नहीं भाई, मेरा सवाल यह है कि सामाजिक समरसता पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इस बार प्रस्ताव भी पास हुआ है, आपको लगता है कि समाज में इतना ज्यादा विभेद हो गया है, इस तरह की बातें आ रही है, तौकीर राजा जैसे लोग कह रहे हैं कि अलग से फिर से एक पाकिस्तान जैसा राष्ट्र होना चाहिए, मुसलमानों के अलग से राष्ट्र होना चाहिए, देश की मांग करने लगे हैं, तो सामाजिक समरसता कैसे होगा जब एक तबका जो अलग से राष्ट्र की मांग कर रहा है इसी देश में? देश तोड़ने वाली शक्तियों के काम पहले से हो रहा है, भारत को टुकड़े टुकड़े करेंगे इस यूनिवर्सिटी के कैंपस से ये लोगों ने बोला है, लेकिन लोगों के एक जवाब भी उसको मिला है, ऐसे वो नहीं हो सकता। और देश को तोड़ने वाली शक्तियां स्वयं के स्वार्थ के कारण और विदेशी कई प्रकार के षड्यंत्र के कारण यहाँ इस देश में हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, दक्षिण में हुआ है, हर जगह पर यूनिवर्सिटीज़ में किए हैं, लेकिन उसके जवाब देने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है, ताकत भी है, इसलिए संघ के स्वयं से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इस विषय को विरोध करने का, काउंटरिंग करने के आर्ग्यूमेंट्स, नैरेटिव बिल्डिंग इसी मैंने कहा ये है। और कानूनी कुछ करना है को देश के साथ विरोध करने का जो अपराध करते हैं उसको सरकार कानूनी क्रम कार्रवाई करेगी। संघ के तरफ से हम क्या करेंगे, समाज में एक वातावरण उत्पन्न करेंगे, चर्चा करेंगे, डिबेट बहस से ये गलत है ऐसे करेंगे, जहाँ ऐसे होता है अपने इसमें सावधानी रखने के लिए प्रयत्न करते हैं। सामाजिक समरसता के दो, एक है हिंदू समाज के अंदर तथाकथित जो हिंदू समाज है इसके अंदर के ऊंच नीच छुआछूत जाति भेद ये दूर करने का एक बड़े, इसके लिए समाज के धार्मिक नेतृत्व, साधु संत महाराज, पीठ आश्रम, इनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए एक बार अपने इन आने वाले कुछ वर्षों में हमें यह अस्पृश्यता, हिंदू समाज के जो शाप है, कलंक है, इसको दूर करना चाहिए, यह हमारा प्रायोरिटी है, हम करना चाहते हैं। दो एक मिनट, दूसरा आपने जो कहा देश तोड़ने वाली शक्तियां हर जगह काम करती हैं, तो चौकन्ना रहना पड़ेगा, सावधानी रहनी पड़ेगी, उस दृष्टि से भी हमारा प्रयत्न है। इसलिए ऐसे एक क्षेत्र में जो वीकर सेक्शंस होते हैं समाज में इस प्रकार के, वहाँ कन्वर्शन करके विदेशी इसमें करने के लिए प्रयत्न करके जानबूझकर भारत विरोधी करने का प्रयत्न होता है, वहाँ चौकन्ना रहेंगे, वहाँ उसको रोकने के लिए स्थानीय समाज जागृत हो प्रयत्न करेंगे। समाज के अंदर के ठीक करना एक है, जो ऑनस्लॉट्स होते हैं इसको रोकने की सावधानी दूसरे है, दोनों साथ साथ चलेंगे। सर मधुपर्णा दास फ्रॉम द प्रिंट। सर संघ अभी अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले भागवत जी का स्टेटमेंट आया था, वो ऑर्गेनाइजर को इंटरव्यू में बताए थे अबाउट ट्रांसजेंडर्स, LGBTQ,
और वो कुछ रेफरेंसेस भी लाए थे पुराने एपिक्स के एंशंट जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं कि ऐसे रिलेशनशिप्स पहले भी होते थे. अभी सर मैंने खुद भी देखा है कि संघ जैसे विद द ट्रांसजेंडर्स अमंग द ट्रांसजेंडर्स जैसे काम हो रहे हैं, उन लोग को बुला रहे हैं. सो सर अभी एक बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है अबाउट सेम सेक्स मैरिज, वो सुप्रीम कोर्ट में भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर भी किया गया है. तो रिलेशनशिप्स के बारे में अगर बोला जाता है कि ऐसा पहले भी था, एंशंट स्क्रिप्चर्स में भी मेंशन है, तो मैं सर पूछ रही थी कि ये संघ का क्या सोच है इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं? अगर सोसाइटल सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है कोर्ट को कि सोसाइटल इम्बैलेंस आएगा, तो संघ कैसे सोचता है सर? संघ के भी कहना हमारा मैरिजेस कैन टेक प्लेस बिटवीन टू अपोजिट जेंडर्स, ये मैंने पहले ही कहा था, आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन बिहाफ ऑफ संघ. मैरिज का ये देखिए, मैरिज हिंदू जीवन दर्शन में विवाह जो है एक संस्कार है. इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ओनली एंजॉयमेंट, नाइदर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. विवाह जिसको विवाह कहते हैं, साथ कोई भी रहना वो अलग है. आप मैरिज जिसको कहते हैं वो भारतीय चिंतन में हिंदू दर्शन में हजारों वर्षों से लाखों वर्षों से यह एक संस्कार है, षोड़श संस्कार. उस संस्कार के अर्थ यह है टू इंडिविजुअल्स दे गेट मैरिड एंड लिव टुगेदर, लेकिन वो केवल अपने लिए नहीं है, वो एक परिवार बसाते हैं, वो समाज हित में होता है, ग्राम हित में होता है. इसलिए हमारे हिंदू जीवन पद्धति के सभी विवाह के जितने भी हमारे यहाँ रस्में हैं, मंत्र हैं वगैरह, उसमें आप दोनों इकट्ठे आ रहे हैं ये समाज जीवन को अच्छा करने के लिए. धन्यो गृहस्थाश्रम ये हमारे यहाँ का है, इसलिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना यानी जो विवाह करने वाले हैं तो वो इस आदर्श को पूरा करने के लिए है. इट इज़ नॉट फॉर पर्सनल फिजिकल सेक्सुअल एन्जॉयमेंट, इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ संस्कार. संघ इसलिए इस विषय को जो समाज के जो रिवाज है अभी तक के उसमें, हाँ उसमें आधुनिक काल में कुछ दहेज के पद्धति हो गए उसको दूर करो, ऐसे कुछ विषय हो सकता है, लेकिन समाज में विवाह यह पुरुष और स्त्री. यतीन्द्र जी फिर आप. मेरा सवाल है, जब इमरजेंसी लगी थी 75 में तो संघ और संघ के स्वयंसेवकों ने एक बड़ा अभियान चलाया था, लेकिन अब जो मौजूदा विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि देश लोक जिसका ये लोकतंत्र है वो खतरे में है, और केवल देश में नहीं विदेशों में जाकर देश को बदनाम किया जा रहा है. तो इसमें संघ का क्या सोचना है, क्या लगता है कि लोकतंत्र खत्म हो गया? राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद हैं, मैंने बताया पहले ही शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल. इमरजेंसी जो लागू हुई थी उस समय मैं जेल में था, मुझे जेल में भेजा था कांग्रेस ने, मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों को इसे किया जिन्होंने हिंदुस्तान में संविधान को इस प्रकार किया, हिंदुस्तान को जेल बनाया था, उन्होंने आज तक उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी. उनको लोकतंत्र के बारे में कहने के नैतिक अधिकार है क्या, देश पूछना चाहिए. और लोकतंत्र हो गया कोई ऐसे कहने से नहीं होता, ऐसे है तो वो अपने अपने तरीके से जो कह रहे हैं समाज उत्तर देगा. देश में लोकतंत्र नहीं है, आप लोग कितने लोग इमरजेंसी देखे मुझे मालूम नहीं, लोकतंत्र नहीं हो तो इतने लोग इकट्ठे भी नहीं हो सकते थे. और लोकतंत्र खतरे में है तो देश में चुनाव चल रहे हैं, उनकी पार्टी भी एक दो जगह जीत के भी आए हैं चुनाव के लोकतंत्र है तो, बाकी लोकतंत्र पार्लियामेंट चल रहा है, पंचायत से लेकर सभी चुनाव चल रहे हैं. लोकतंत्र हो गए तो 6000 पंचायतों से शिक्षा नीति बनाने के लिए फीडबैक लेकर एक शिक्षा नीति बनी,
लोकतंत्र में ये करने की कोई सरकार को मजबूरी नहीं थी। एडवाइजरी काउंसिल से पॉलिसी बनी हिंदुस्तान में, कहाँ लोकतंत्र था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल करके किए थे। नॉन मेंबर्स वर द चेयरमैन एंड एट द गवर्नमेंट एक्सचेकर क्रोर्स वर स्पेंट। इसलिए मैंने पहले ही कहा, कृपया बताइए, यू शुड मेक मोर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज देश में लोग सोचते हैं, देश के लोगों को विचार मालूम है, इतिहास मालूम है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, हम अपने काम करेंगे, हाथी आगे चलती रहेगी। सर, सर एक सवाल। सर मेरा नाम गौरव मिश्रा है, न्यूज इंडिया से। सवाल सर ये है कि पूरे देश में हित राष्ट्र को लेकर के अलग सी बहस छिड़ी हुई है। पहला सवाल ये, संघ की संघ का क्या दृष्टिकोण है हिंदू राष्ट्र को? जनसंख्या नियंत्रण पर संघ शुरू से काम करता रहा है, केंद्र में सरकार भी है, आने वाले दिनों में संघ क्या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कुछ करने जा रहा है? जनसंख्या नियंत्रण के बारे में संघ ने नहीं कहा है, जनसंख्या असंतुलन के बारे में हमने कहा है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस के बारे में पिछले बार हमने प्रस्ताव पारित किए, वी स्टैंड बाय दैट। देश में असंतुलन डेमोग्राफिक होने के कारण कई प्रश्न उठते हैं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, TN सेशन जब इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने कहा है, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था। तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस के बारे में हिंदुस्तान में RSS के नहीं थे ऐसे सैकड़ों लोगों ने कहा है, डेमोग्राफिक स्टडी करने वाले लोगों के इकोनॉमिस्ट बाकी लोगों ने कहा है, वो देखना चाहिए लोगों को। संघ कोई नई बात नहीं कह रही है, ये सारे हमने कहा है। राजेश्वर जी हु वॉज द गवर्नर ऑफ आसाम एंड लेटर ऑन इन उत्तर प्रदेश, हु वॉज नॉट एन RSS स्वयंसेवक एंड ही स्पोक अबाउट द डेमोग्राफिक इम्बैलेंस विच इज डेंजरस फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। इसलिए बहुत सारे ऐसे हैं, मैं इन सारी चीज़ों को विस्तार से नहीं कहूँगा। और अब आपने हिंदू राष्ट्र के बारे में संघ ने बहुत पहले कहा है, ये कल्चरल कॉन्सेप्ट है, ये थियोक्रेटिकल नहीं है। हम 100 साल से हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये है, भारत हिंदू राष्ट्र है, कोई बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है ही। स्टेट एंड नेशन आर डिफरेंट, कॉन्स्टिट्यूशन से एस्टैब्लिश होने वाली चीज़ जो है इट इज़ अ स्टेट, एक स्टेट पावर, राज्य शक्ति है। नेशन इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट, इसलिए भारत के नेशन जो है यह हिंदू नेशन है, यानी यहाँ के कल्चरल कॉन्सेप्ट जो है वो इस देश के, उसको हिंदू कहो, इंडिक कहो, आर्य कहो, सनातन कहो, देर आर 100 नेम्स, वो हिंदू राष्ट्र है, इसलिए थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। सर मैं दीप्तिमान तिवारी, इंडियन एक्सप्रेस से। सर प्रतिनिधि सभा में समसामयिक विषयों पर भी चर्चा होती है, तो इस बार किन खास विषयों पर चर्चा हुई है और क्या उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल या पंजाब में जो परिस्थिति है वो, या मतांतरण के जो मुद्दे चल रहे हैं देश में वो, इन सब विषयों पर कोई चर्चा हुई है और अगर हुई है तो क्या हुई? इनके बारे में चर्चा पहले भी हुई है, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक अक्टूबर में हुई थी प्रयाग में, ये सारे चर्चा किए हैं, उसके विषय यहाँ रखा है। मैंने जो रिपोर्ट इसमें कहा है, इसमें प्रारंभ में मैंने कुछ बातें बताई भी है, अंत में भी बताया है। वर्तमान परिदृश्य में आपने बताया ये हो रहा है, आपने बताया कि कन्वर्शन हो रहा है, मैंने ये यहाँ कहा भी है। गत वर्ष में ही संकेत किया था कि देश के कई भागों में मतांतरण की साजिश व्यापक प्रमाण में दिखाई देती है, तो संघ ने इस विषय को आइडेंटिफाई किया है। इसके संदर्भ में वहाँ वहाँ के स्थानीय धार्मिक नेतृत्व के लोग, जाति बिरादरी के लोग करने चाहिए। हमने सामाजिक सद्भाव कार्य एक चलाते हैं, समाज में जो हिंदू समाज के कई प्रकार के जाति बिरादरी के लोग हैं वो इकट्ठा है, एक जाति दूसरे जाति के साथ सहयोग करें, 3 बातें करें, एक अपने जाति में क्या सुधार होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम्स, आजकल के हिसाब से सुधार होते रहने चाहिए, सभी समाज सुधारकों ने किया है, मेरे जाति बिरादरी में क्या सुधार होने चाहिए, जाति के नेतृत्व बैठकर अपने जाति के बारे में सोचें, क्रमांक एक। नंबर 2, दूसरे जाति में जो अशक्त लोग हैं, दुर्बल है, कमजोर है, गरीब है, उनके बारे में सेवा करने के क्या कर सकते। नंबर 3, अपने समाज पर होने वाले जो भी बाकी स्थिति है, व्यसनाधीनता हो सकती है, कन्वर्शन हो सकता है,
जमीन के कब्जा हो सकता है, मंदिर के ऊपर आक्रमण हो सकता है, इन चीज़ों को ठीक करने के लिए सावधानी रखे। ये हर जाति बिरादरी करे, लेकिन ऐसे जाति बिरादरी इकट्ठा है जिले के ब्लॉक के लेवल पर, ऐसे प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं हिंदू समाज के जातियों को इकट्ठा लाना, उसमें जो मैंने पहले बताया समरसता पर्यावरण उनके इसमें करना, इसलिए जाति के भावना में जो भेदभाव होता है इसको दूर करना। पंजाब के स्थिति में हमने कहा है कन्वर्शन के संदर्भ में, पंजाब में इंडिया टुडे ने कवर स्टोरी भी छापा है, देश के कन्वर्शन के आपने इंडिया रिस्पेक्ट कही है, देश के न्यायालय ने भी कन्वर्शन के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। इसलिए कन्वर्शन इंडिविजुअल लेवल पर किसी को होता है तो देखिए, भारत ने हिंदू समाज ने कभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जब वो एक साजिश के तहत होता है, वो स्किन डीप है, इट इज़ नॉट चेंज ऑफ हार्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ सर्टन फ्रॉडुलेंट एंड फोर्सफुल मेथड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस आर देयर एज टेस्टिमनीज। इसलिए उसके बारे में समाज जागरूक है, करेंगे। यहाँ पे क्या है, हर छः महीने में हम बैठक होते थे, सारे विषय आते ही हैं, इसलिए पहले गाड़ी चली है उसी को आगे बढ़ानी है। सर, हाउ डज द आरएसएस व्यू दिस इशू ऑफ लैंग्वेज प्राइड, बिकॉज सडनली इन द लास्ट फ्यू डेज वी हैव बीन नोटिसिंग सम सेंस ऑफ वायलेंस यू नो अगेंस्ट यू नो हिंदी माइग्रेंट्स, सो देयर इज अ सेम्ब्लेंस ऑफ नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये लैंग्वेज प्राइड का जो मसला है इसको आरएसएस कैसे देखता है? भारत में भाषा के आधार पर अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लोग पहले से हैं और उनके मंशा अब तक पूरी नहीं हुई है। वो डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, दे कैन पुट इम्पेडिमेंट्स एंड दे हैव बीन डूइंग इट एंड इट इज़ ओनली शॉर्ट सक्सेस फॉर देम एंड आई एम श्योर, क्योंकि भारत में देखिए तमिलनाडु में भी आप नीचे जाकर जाएंगे तो हिंदी सीखने वालों के, हिंदी ट्यूशन लेने वालों की संख्या बड़ी है, जन व्यावहारिकता पर जाते हैं, विरोध हिंदी के नहीं है या तमिल के नहीं है या और किसी के नहीं है, विरोध नहीं है। ये जो राजनीतिक का अपने चाल चलाने के लिए कुछ पॉलिटिकल एजेंडा है, नंबर वन, ये मैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आई कैन टेल। नंबर टू, ये भाषा के बारे में ऐसे हो गया वैसे हो गया, जो कहते हैं हिंदुस्तान में नौजवान हिंदुस्तान के हर राज्य में हर जगह पर जा रहे हैं। हमने तो कई शहरों में, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में, मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूँ, बेंगलुरु में, नागपुर में, हर जगह पर हम भारतीय भाषाओं के लोगों के, भोपाल में मातृभाषा मंच अपने स्वयंसेवकों ने बनाया है, अलग अलग भाषा, उदाहरण के लिए भोपाल में 10 भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनको हम इकट्ठा लाते हैं, आपस में कार्यक्रम करते, एक भाषा के दूसरी भाषा के कार्यक्रम होते हैं। तो राष्ट्रीय एकता एकात्मता के प्रयत्न करने वाले हमारे जैसे संगठन ये भाषा भेद वगैरह को हम ये नहीं देते, क्योंकि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। नागालैंड में हिंदी टीचिंग के लिए आज चाह इतना है, कोई जाकर तो देखें। इसलिए ऊपर के लेवल पर थोड़ा सा कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, वो है मातृभाषा के बारे में लोगों के आग्रह रहना ठीक है, दूसरी भाषा का विरोध द्वेष करना या नहीं होता, क्योंकि लोगों को व्यावहारिकता मालूम है और देश एक है, लोगों के पक्का है, इसलिए अंतरभाषा विवाह भी हो रहे हैं, अंतरभाषा जीवन भी हो रहा है, इसलिए संघ भी इन सारे विषयों को भरपूर समर्थन करके आगे बढ़ाए हैं। सर, लास्ट अभी दो क्वेश्चन लेंगे, आप बोलिए। मैं जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज़ से। मेरा प्रश्न ये है कि 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी के प्रधानमंत्री की बात करें तो उनके कार्यकाल में जिस तरीके के काम हो रहे हैं, और आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं सर, क्या कुछ और बदलाव हो सकता है या वही रहे? मैं चुनाव के बारे में भविष्य देने वाला ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। देश लोकतंत्र है, आगे बढ़ेगा, अच्छे काम करने वाले लोगों को लोग हमेशा समर्थन करते हैं, अच्छे काम हुआ है। हेलो सर, दैनिक ट्रिब्यून से विनोद लाहोटो। सर, सर देश की और समाज की जो कड़वी सच्चाई है, शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ओनली। हाँ जी, जो मोहन भागवत जी हैं उन्होंने एक बोलने की बड़े सच्चाई को बोलने का एक साहस किया है कि जो जातिगत
व्यवस्था है वो भगवान ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने बनाई है। क्या संघ आज भी उस बयान पर में कायम है? और देश के अंदर जो जातिगत जनगणना है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर संघ क्या राय रखता है? जातिगणना होनी चाहिए नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार निर्णय करेगा, करे। पहले भी किया है, पब्लिश नहीं किए हैं। सेंसस में जाति आधारित जनगणना पहले भी हुई है, दे हैव नॉट पब्लिश इट फॉर वेरियस रीजंस। और मोहन भागवत जी ने जो कहा, मैंने क्लैरिफिकेशन क्लैरिफाई पहले ही किए हैं। पंडितों ने कहने का अर्थ यह है, उत्तर भारत ने पंडित कहने से केवल ब्राह्मण ऐसे मानते हैं, पंडित का अर्थ है स्कॉलर्स, पंडित का अर्थ है ज्ञान लोग, वो केवल ब्राह्मण कुल के ही आज जो ब्राह्मण जाति है ऐसे नहीं होते हैं। उन्होंने मराठी में भाषण दिया था, जो पढ़े लिखे लोग शास्त्र को इंटरप्रेट करने वाले लोग जो होते हैं, वो लोगों ने ऊंच नीच स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी उन्होंने बनाया, ये मनुष्य ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने सबको समान बनाया, मनुष्य ने अपने आवश्यकता के लिए या स्वार्थ के लिए कोई भी हो ऊंच नीच ये वो सब कर दिया। इसलिए पंडितों ने इसका अर्थ ब्राह्मण जाति नहीं है आज जो ब्राह्मण जाति कहते हैं, इट इज एजुकेटर स्कॉलर पीपल जो ऐसे काम करते हैं उन्होंने किया। हमारे देश में सो कॉल्ड एजुकेटेड लोगों ने इतिहास को विकृत किया ना। लास्ट दत्ता जी, पिछले कुछ टाइम से काफी देखा जा रहा है कि लार्जर गुड के लिए और सोशल हार्मनी के लिए संघ में मुस्लिम आउटरीच एक्टिविटीज बहुत हो रही है, इंटेलेक्चुअल से मिला जा रहा है, आपके लेवल पे भी, मोहन जी के लेवल पे भी, तो आने वाले दिनों में भी ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगी? और इसका लार्जर गोल कुछ कंटेंशियस इश्यूज हैं जो, चाहे आपका मथुरा का और काशी का इशू है, उन इश्यूज को भी इसी तरह टेबल पर बैठकर रिजॉल्व करने का एक लार्जर इश्यूज है, या ओवरऑल सोसाइटी में हार्मनी बनी रहे? सर जैसे जैसे वहां से इन्विटेशंस आते हैं, झुकाव दिखाई देते हैं, उनकी इच्छा होती है मिलने के, संवाद करने के, उस प्रकार रिस्पॉन्ड करते हैं। शुरुआत वहां से आउटरीच नहीं है संघ के, वी आर रिस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव स्टेप्स फ्रॉम दैट साइड। तो उन्होंने बुलाया है तो वो बुलाते, आरएसएस पर विश्वास उनको है, कुछ लोगों को नहीं है, तो जिनको है उनको हम स्वीकार करते हैं, आमंत्रण करते हैं, मिलते हैं, मिलने में चाय पीने में कोई अर्थ नहीं, हम तो दुनिया को एक कुटुंब मानते हैं, हमारा कोई द्वेष नहीं है किसी मत धर्म पंथ, सब राष्ट्र के हित में काम करना चाहिए, यह हमारा पक्का है। हम अपने जमीन पर ऐसे हैं, जहाँ जाते हैं वही बताते हैं, और मिलना किसी की इच्छा है मिलते हैं, मुसलमान से मिलते हैं, ईसाई से भी मिलते हैं, विदेश के लोग भी आकर मिलना चाहते हैं। वी आर एन ओपन ऑर्गेनाइजेशन, वी आर रेडी टू मीट एनीबडी जो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं मिलने के, बात करने के, संवाद करने के, डायलॉग करने के। तो जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बात होती है, तो अच्छी है, लोकतंत्र यही है। नमस्कार, आप सब आए, आपका सबका धन्यवाद। एक प्रस्ताव की कॉपी अभी आपको, हार्ड कॉपी अभी आपको अंग्रेजी और हिंदी में मिलेगी, बाहर भोजन की व्यवस्था है, आप सब भोजन लें।